नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। जैसा कि आपको पता है कि आज हम टेंसेस पढ़ने वाले हैं और टेंसेस के अंदर हम आज जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस क्या होता है और एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे जो रूल्स रहते हैं वो जानेंगे। साथ ही साथ इसके साथ हम देखेंगे कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की डेफिनेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, यानी कि इन दोनों में देखिएगा, पिछले इससे पहले हमने जो वीडियो देखी थी आपने, उसमें हमने बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस क्या होता है, और इससे पहले हमने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस क्या होता है, और आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस क्या होता है। तो सबसे पहले इनको देखेंगे कि जो काम परफेक्ट, यानी कि काम मैंने बताया था आपको कि जहां पर भी परफेक्ट लगा होगा, यानी कि काम कैसा हो गया होगा वहां पे कंप्लीटेड, यानी कि काम क्या हो गया होगा, कंप्लीटेड हो चुका होगा, काम कंप्लीटेड हो चुका होगा। साथ में कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रोग्रेसिव जो दिखाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, यानी कि काम चल रहा हो उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे कॉन्टिन्यूस, यानी कि इसमें दोनों चीजें आ रही है, यानी कि काम हो भी रहा है और साथ में प्रोग्रेसिव यानी कि कॉन्टिन्यूटी में भी चल रहा है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे मैं बोलूं कि कोई काम, जैसे मैं बोलूं कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो अभी पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं यानी कि कुछ तो पढ़ाया है, यानी कि कुछ तो काम हो चुका होगा, साथ में अभी भी पढ़ा रहा हूं, तो वो आपका किस में चलाएगा, सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और अगर इसकी डेफिनेशन में आते हैं तो यानी कि ये एक ऐसा सेंटेंसेस होता है जो इंडिकेट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द रिसेंट पास्ट, जो यानी कि अभी भी जो रिसेंट में हो चुका हो, यानी कि कुछ काम हो चुका हो रिसेंटली हो, रिसेंट पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, यानी कि वो प्रेजेंट में भी चल रहा हो, स्टिल अभी भी चल रहा हो, तो उस काम एक्शन को बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस का। आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ में आई है। इसके बाद जो आगे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर रहता है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या इंपॉर्टेंट है इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव जो हम बोलते हैं कि सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो रूल्स देखते हैं सबसे पहले कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है, और मैंने बताया है आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज आप पीछे जाके वो वाला कंसेप्ट पहले क्लियर कीजिएगा, उसके बाद आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि चीजें ये सब्जेक्ट क्या होती है। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। हैज और हैव यहाँ पे लगाए जाते हैं, और यहाँ पे अभी देखो मैंने आपको बोला कि ये आपका क्या होता है, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, साथ में ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है, साथ में ये आपका कॉन्टिन्यूस भी है, तो यानी कि परफेक्ट भी है साथ में कॉन्टिन्यूस भी है, दोनों के गुण आ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ने का काम जो करता है वो करता है बीन, इसलिए यहाँ पे बीन लगाया जाता है। अब देखो वीन तो लगा है, साथ में जो वर्ब लगाई जाती है, जो मेन वर्ब रहती है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है। साथ में दे रखा है कि द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि इसकी जगह पे, या फिर हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं अदर वर्ड, जो अदर वर्ड सेंटेंसेस में रहते हैं वो चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो ये था एक पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये वाली समझ में आया हो कि स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका। इसी प्रकार से जब हम इसे नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रकार से बनता है, पहले सब्जेक्ट आता है, हैज और हैव यहाँ पर भी लगाए जाते हैं। अब ये हैज और हैव से डिसाइडेड होता है कि टेंसेस कौन सा है, यानी कि यहां से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब ये नॉट हम हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो आपका नॉट होता है हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है और मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। बीन यहाँ पर भी लगाया जाएगा, साथ में अदर वर्ड आपके यहाँ पे आ जाएंगे जो मेन वर्ब रहती है उसके बाद आते हैं। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव में सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है,
उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम बीन लिखेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, और अदर आगे सेम एटीजिट हम क्या लगा देंगे, अदर वर्ड या फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे चार तरीके से हम सेंटेंसेस को देखते हैं और बनाते भी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया पॉजिटिव, पॉजिटिव से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, नेगेटिव से हम इंटरोगेटिव भी सेंटेंसेस देखते भी हैं और बनाते भी हैं। अब इसके बाद है नेगेटिव भी होना चाहिए साथ में आपका इंटरोगेटिव भी। इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क आपका जो सेंटेंसेस रहते हैं तो वो वाला आता है। अब इंटरोगेटिव में याद रखिए, जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तो अंत में क्या लगाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क वाला साइन लगाया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क वाला साइन भी लगाया जाएगा, जबकि इन दोनों सेंटेंसेस में फुल स्टॉप के जैसे एक लगाया जाता है फुल स्टॉप, ताकि इंडिकेट हो सके कि सेंटेंसेस यहाँ पे खत्म हो चुका है, या फिर इससे हमें आती है कि सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुका है और किसी किसके बारे में बता रहा है, किसी क्वेश्चन के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार से ये नेगेटिव इंटरोगेटिव रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, उसके बाद लग जाती है हमारे पास बीन, वर्ब में आईएनजी एंड अदर वर्ड या फिर हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो लग जाते हैं। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंसेस का स्ट्रक्चर, कि किस प्रकार से हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उसका रूल्स क्या रहेगा। तो ये था इनके रूल्स थे, तो इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। तो एग्जाम्पल्स में दे रखे हैं कि आई हैव बीन वर्किंग एज अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स, तो ये आपको दे रखा है एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए, आई आपका सब्जेक्ट है आई। अब देखिए आई के अकॉर्डिंग क्या लगाया गया है। अब मैंने पीछे बताया आपको कि आई को हम स्पेशल कैटेगरी के अंदर हम इसको क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। अब देखिए आई अगर प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग, अब देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए, एंड प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए हैज एंड प्लूरल के लिए हैव यूज करते हैं। अब देखिए अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। यहां से हमने वर्ब देखी तो यहां से हमें पता चला कि कॉन्टिन्यूस है, बट साथ में हमने बीन देखा और हैव देखा, तो हैव आपका प्रेजेंट में लगता है और परफेक्ट का ये आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलता है, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए सेंटेंसेस का नाम क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। पहचान कैसे करनी है, एग्जाम में आपको ज्यादातर पूछा जाता है कि पहचान करनी है, तो पहचान सबसे पहले वर्ब से करनी है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, वर्ब से करनी है, हमेशा ही वर्ब से करेंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब दे रखे होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि आपने जो बात कही है वो प्रेजेंट में कही है, पास्ट में कही है, या फिर आपने फ्यूचर में कही है। जबकि जो आपकी मेन वर्ब रहती है वो बताती है कि आपने जो कार्य किया है वो आपने कंटिन्यू, वो काम आपने कर लिया है या करने वाले हैं या कर रहे हैं, या फिर आपने वो काम किस पार्टिकुलर इसमें किया है, जो सब पार्ट्स हैं आपके टेंसेस के उनमें किस एक्शंस में किया है, तो ये आपकी मेन वर्ब बताती है। आई होप आपको ये वाला समझ में आया हो एग्जांपल। इसके बाद सेकंड है वी हैव। अब देखिए बच्चों, वी के साथ हैव क्यों लगाया गया है, यहाँ पे हैज क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि ये हम इसे क्या मानते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रनाउन है, प्रनाउन में आपका ये क्या है, प्लूरल है, और इसके अकॉर्डिंग क्या लगाया गया है, यहाँ पे हैव लगाया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि बीन लगा है, तो बीन से डिसाइडेड होता है, यानी कि एडिशनल है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का, यानी कि दो टेंसेस को जोड़ने का जो काम करता है वो हमेशा बीन करता है। उसके बाद वर्ब की आई एन जी दिखेगी, तो कॉन्टिन्यूस समझाना कि सेंटेंसेस कैसा है आपका, कॉन्टिन्यूस है। वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 आवर्स। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें भी आपने पहचान करनी है कि ये वाला आपका कौन सा टेंसेस है। शी के अकॉर्डिंग हैज लगा, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया गया, बीन लगाया गया, वर्किंग लगाया गया, ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, इस प्रकार से आपका आ जाता है। तो यहाँ पे आपको पहचान करने के लिए इन तीनों पे ज्यादा फोकस करना है, कि आपका अगर बीन लगा हो कॉन्टिन्यूस में आपको अगर दिखा रहा है ये वाला साइन, एंड इसके बाद हैज और हैव लगे होंगे वहां पे, तो वो आपका कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस। आई होप आपको ये वाला समझ में आया हो।
इसके बाद हम इसमें एक कैटेगरी और देखते हैं, वो है आपका एक फोर है और एक आपका सिंस है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें एरर हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ हमें फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में कि इस जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आपका फोर आएगा या फिर सिंस आएगा। अब देखिए फोर का यूज हम कहाँ करते हैं, सबसे पहले फोर देखते हैं। तो फोर आर लेंथ ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोल सकते हैं हम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं इसको, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोल सकते हैं। अब देखिए फोर का यूज हुआ है ड्यूरेशन के लिए, अवधि बताने के लिए। तो अब देखिए अवधि जैसे फाइव ईयर्स, एन आवर्स यानी कि एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, इस प्रकार से बोलेंगे। पांच साल की जगह पे छह साल बोल सकते हैं, सेवन ईयर बोल सकते हैं, एट ईयर्स बोल सकते हैं, नाइन ईयर, टेन ईयर, है ना, हंड्रेड ईयर्स बोल सकते हैं। यानी कि ये ड्यूरेशन बता रहे हैं, अवधियों को बता रहे हैं, यानी कि ड्यूरेशन है लेंथ ऑफ टाइम कि कितना टाइम लगा, पांच घंटे, छह घंटे, सात घंटे, आपको टीच करते कितना टाइम लगा, मैं पिछले आठ घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आठ घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो यानी कि क्या पढ़ा, किसका यूज करूंगा मैं, साथ में फोर का यूज करूंगा। टेंसेस का ध्यान रखना, यहाँ पर भी वैसे ही आपका यूज किया जाएगा हैज और हैव के साथ, बीन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, बट साथ में फॉर या सिंस का भी ध्यान रखना, क्योंकि अवधि ही बताई जाती है कि मैं पिछले एक घंटे से है ना पढ़ रहा हूं, या फिर है ना एक दिन से बारिश हो रही है, या चार घंटे से बारिश हो रही है, तो चार घंटे से हो रही है यानी कि कुछ तो हो चुकी है, साथ में हो भी रही है तो कॉन्टिन्यूटी को भी दर्शा रहा है, और साथ में पास्ट के टेंस को भी बता रहा है कि कुछ तो हो चुका है यानी कि परफेक्ट है, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बता रहा है साथ में। तो यानी कि उस केस में हम सिंस एंड फॉर का भी देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही पूछा जाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अभी मैंने बताया आपको कि फॉर का यूज कहां करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन ना हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे गिवन ना हो। अब साथ ही इसके साथ देखो कि सिंस का यूज कहां करते हैं, अब सिंस का यूज करते हैं अ पॉइंट इन द टाइम पास्ट, यानी कि ऐसा टाइम जो पास्ट में हो चुका हो, यानी कि कब आप डिसाइड कर पाए, जिसे बता पाए, यानी कि आपके पास बोलने के लिए कुछ टाइम हो। जैसे मैं बोलूं कि मैं 10 बजे है ना 10 बजे स्कूल पहुंचा था, या 10 बजे एकेडमी पहुंचा था, तो वो मेरा टाइम था बताने के लिए, पास्ट का टाइम कि मैं किस टाइम पे पहुंचा था, तो उस टाइम को बताने के लिए हम यूज करते हैं सिंस को, एग्जैक्ट पॉइंट। या इसको इस प्रकार से बोलूं कि एग्जैक्ट पॉइंट जब आपको बताना हो किसी चीज के बारे में कि ये काम कब से शुरू हुआ था, मंडे से, तो यानी कि एग्जैक्ट आपको पता है, डे पता है, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूजडे, एग्जैक्ट डे। इसी प्रकार से आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट के बारे में बताना हो, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें कि स्टार्टिंग पॉइंट जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताना हो कि ये काम कब से शुरू हुआ था, जैसे सिंस 10 AM है ना, 7 AM PM बोल देंगे, है ना, 1 o'clock बोल देंगे, या कुछ भी ऐसा समथिंग हम बोलेंगे एग्जैक्ट टाइम के। जबकि यहाँ पे क्या था, फोर के केस में सिर्फ हमें घंटे बताने हैं, 8 घंटे से 9 घंटे से 10 घंटे से 24 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपकी ड्यूरेशन है। जबकि मैं एग्जैक्ट टाइम बता दूं कि मैं कितने बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलूँ 9 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, 10 बजे से 11 बजे से, तो ये टाइम है कि 9 AM बोलूंगा, 10 PM बोलूंगा, है ना, 11 AM बोलूंगा, कुछ भी समथिंग, बट यहाँ पे घंटे हैं, 8 hours 9 hours घंटे हैं, ये आपके ड्यूरेशन है। कि कोई भी मंथ होगा, सिंस सितंबर लिखा है, यानी कि कोई भी मंथ होगा, मंथ के लिए भी, यानी कि इस मंथ से मैं पढ़ना स्टार्ट किया, मैं इस मंथ से लाइब्रेरी जा रहा हूँ, इस मंथ से मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यानी कि एग्जैक्ट आपको मंथ पता है कि आप किस मंथ से ये कर रहे हैं। या फिर आप ईयर बोल दें कि मैं इस सन से यहाँ रह रहा हूँ, पिछले है ना इस साल से मैं आपको यहाँ पे धर्मशाला में रह रहा हूँ, तो 1992 से रह रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, या 1992 बोलना होगा, एग्जैक्ट डेट बता रखी है, यानी कि एग्जैक्ट आपको जो ईयर है वो पता है, आपने इसके बारे में बताया है। या मैं बोलूं कि मैं 1996 से स्कूल जा रहा हूँ, 1996 से स्कूल जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ यानी कभी भी जा रहा हूँ, यानी कि कुछ तो है ना टाइम तो मैंने दिया होगा, स्पेंड किया होगा 96 से। तो वैसे यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंस के लिए ईयर्स को। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं कि सिंस का यूज कहाँ करना है एंड फॉर का यूज कहाँ करना है। रट्टा नहीं मारना है इन दोनों में, आपको इनका
जो मेन पॉइंट है वो आपने कैचअप करने हैं कि इनका यूज कहाँ करते हैं। एग्जाम्पल आप ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर लोगे, जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, शी वेटेड एट द स्टेशन फॉर 2 आवर्स। कितने आवर्स दे रखे हैं? 2 आवर्स। तो आप देखो यहाँ पे अवधि देख रही है, देखी जा रही है अवधि कि वो है ना इंतजार कर रही है कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो कुछ तो इंतजार किया होगा, अभी भी क्या कर रही है, वो इंतजार कर रही है स्टेशन पे। तो यानी कि 2 घंटे, पता नहीं 2 घंटे कब के हैं, यानी कि ड्यूरेशन बताई गई है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है मुझे। मैं अंदाजा हम बोल रहे थे कि मैं 4 घंटे से आपका वेट कर रहा था यहाँ पे। तो ये सेंटेंसेस या कर रहा हूं, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस रहते हैं हमेशा ही परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में बनते हैं। और यहाँ पे ड्यूरेशन है इसलिए यहाँ पे यूज किया गया फॉर, और एग्जाम में एरर के लिए आपको इसकी जगह पे मिलेगा सिंस, या यहाँ पे मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये रहेंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर हम सिंस का एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पे दे रखा है शी इज वर्किंग सिंस 7 AM, ठीक है 7 AM दे रखा है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम दे रखा है। शी इज वर्किंग, वो काम कर रही है कितने बजे से, सुबह के 7 बजे से। तो कुछ तो काम कर चुकी होगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर लगाना चाहें तो हम बीन का यूज करके यहाँ पे हम कोई वर्ब लगा सकते हैं, बट यहाँ पे फोकस यहाँ पे करना है आपने, अभी ये एक आपने फॉर पे करना है और सिंस पे करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आई होप आपको ये वाली स्लाइड में समझ में आया होगा। अगर अगर आपको इसके नोट्स लिखना है तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे इसके। अब देखिए मैंने साथ में आपको थोड़ी सी स्लाइड में पीछे बताया कि कहाँ यूज करते हैं, कहाँ सिंस का यूज करते हैं। अब देखिए साथ में इनका थोड़ी से और भी है, जैसे कि फॉर 20 मिनट्स बोलेंगे, 10 मिनट्स बोलेंगे, 30 मिनट्स बोलेंगे, पता नहीं कब के 20 मिनट्स है, स्टार्टिंग पॉइंट गिवन नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए इसके साथ किसका यूज किया गया है, फॉर का यूज किया गया है। वैसे यहाँ पे 3 डेज, 4 डेज, 10 डेज, 3 है ना, ये बोला जाए 15 डेज, 30 डेज, है ना, कितने भी डेज के बारे में हमें बताना होगा हम यूज करेंगे फॉर का। इसी प्रकार से मंथ, अगर हम सीधे मंथ की ड्यूरेशन बताएं कि 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, इस प्रकार से बोलेंगे तो वहां पर भी हम यूज करते हैं फॉर का। अब इयर्स के लिए, इयर्स की ड्यूरेशन बतानी हो, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 7, 9, 11, 12, ये सारे इयर्स हैं, इसके लिए भी हम यूज करेंगे फॉर का। अगर हमें शताब्दियां बतानी है, सेंचुरीज बतानी है, तब भी हम यूज करते हैं फॉर का। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कि फॉर अ लॉन्ग टाइम यूज सबसे ज्यादा एग्जाम में किया जाता है, याद रखिएगा यहाँ पे कि अ लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर का, साथ में फॉर एवर होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इसी प्रकार से सिंस में देखिए कि सिंस 9 AM एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, चाहे आपको यहाँ पे कोई भी टाइम दे दिया जाए, 8 AM, 7 AM या 5 AM या PM बोला जाए, तो वहां पे हम यूज करते हैं सिंस का कि 8 बजे से, एग्जैक्ट टाइम दे रखा है कि 8 बजे से। सिंस मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे, इस प्रकार के आपको कोई भी है ना डे के बाहर दे रखे होंगे, वहां पर हम यूज करेंगे सिंस का। जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे आप यूज करेंगे सिंस के साथ। एग्जैक्ट आपको मंथ पता है, जबकि यहाँ पे मंथ की ड्यूरेशन बताई थी 3 मंथ से, 2 मंथ से, जबकि यहाँ पे इस प्रकार से आएंगे। ईयर्स की बारे में बात करें तो ईयर्स इस प्रकार से आएंगे, आपको दे रखा होगा किस सन से, तो वो एग्जैक्ट डेट यहाँ से हमें मिलती है, या कोई सेंचुरीज दे रखी हो, सेंचुरी जैसे 90 ये वाली सेंचुरी दे रखी होगी, 2000 सेंचुरी दे रखी होगी, 20 शताब्दी ये वाली दे रखी होगी, 21 की वाली सेंचुरीज दे रखी होगी, तो वो सारी आपकी यहाँ पे आती हैं, सिंस के साथ आएंगी। सिंस आई लेफ्ट स्कूल आता है, अब देखिए जब हमने स्कूल छोड़ा था तो उस डेट के बारे में हमें पता होता है, इसलिए इसको एग्जैक्ट डेट के बारे में हम काउंट करते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमें यहाँ से गिवन है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, हमेशा याद रखिएगा सिंस ऑफ बिगिनिंग ऑफ टाइम आता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा साथ में। अब इसके और एग्जाम्पल देखिए, जैसे साथ में He has been living in Delhi for 3 months। अब देखिए वो 3 मंथ से कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो 3 महीने से रह रहा है, तो यानी कि कुछ तो रहा होगा 3 महीने में, तो यानी कि यहाँ पे हम टेंसेज देखेंगे तो टेंसेज हमें यहां से देखने को मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज है।
अब देखिए साथ में हमें ये भी साथ में यहां से टेंस पहचान करनी है, साथ में हमें देखना है फॉर का ये टाइम पीरियड, और हमें देखना है ये जो फॉर है ये क्या सही यूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पे देखिए फॉर थ्री मंथ्स है, अवधि बताई गई है तीन मंथ्स, फोर मंथ्स, फाइव मंथ्स अवधि बताई गई है, बिल्कुल सही यूज हुआ है। इसके बाद है ही हैज बीन वर्किंग सिंस ही अराइव्ड। अब देखिए ही हैज बीन वर्किंग सिंस ही अराइव्ड लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हैज बीन लगा है, हैज बीन के बाद क्या लगा है वर्ब में आई एन जी वाली फॉर्म लगी है, आगे सिंस के साथ ही अराइव्ड लिखा है जब मैं पहुंचा था। अब देखिए ये वाला यहाँ पे सिंस जब आपको पता होगा जब आप वहां पे पहुंचे थे अराइव वहां पे पहुंचेंगे या पहुंचे थे तो आपको उस टाइम के बारे में पता था, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है सिंस का। आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 9 o'clock। अब एग्जैक्ट टाइम दे रखा है इसलिए हमने यूज किया है सिंस का, अगर सिर्फ 9 hours दे रखा होता तो हम फॉर का यूज करते हैं, फॉर 9 hours 9 घंटे से कि मैं आपका यहाँ पे इंतजार कर रहा था। तो आई होप ये वाले एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए हैं, और एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट यही है सिंस एंड फॉर कि ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं। इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।